أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हमें सारंगखेड़ा के सामने जो पहाड़ी है टेम्बे की रास्ते की तरफ, यहाँ पर मेरे दोस्त ख़ास जफर खान साहब, ये मेरे पीर भाई भी है, इनकी खानकाह यूसुफिया, और ये मेरे बहुत ही अजीज़, और इन्होंने पहाड़ी के ऊपर 20 साल से यहाँ पर मेहनत की है और इस जगह पर अपने सिलसिले का परचम बुलंद किया है, और इस पहाड़ी पर बंजर ज़मीन पर इन्होंने अपनी खानकाह बनाई है। मौला इन्हें बरकतों से नवाजे और गौस पाक का खुसूसी करम हो। ये मेरे बहुत ही हरदिल अजीज़ और मेरे बहुत ही चहीते पीर भाई है, मौला इनकी उम्र दराज फरमाए, और इन्होंने जो जो कारकर्दगी की है वो अभी हम आपको बतलाते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप भी इनके लिए दुआए खुसूसी याद कीजिए और आप इनसे फैज़याब हो। माशाल्लाह, ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी पर आपने सब ये फूल पौधे दरख्त लगा कर एक बगीचा बनाया है, और इनकी मेहनतों को मौला ने बहुत खूब तरीके से नवाजा है और बरकतों से नवाजा है। ये देखो पूरा बगीचा बना हुआ है, ये पूरे पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। माशाल्लाह, एक तरफ ये तापी नदी है और उस पर बनाया हुआ छोटा डैम है, और ये पहाड़ी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत मंजर, ये हज़रत शाह दावल मलिक रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है, छिलावा है, और बहुत पुराना है। ये देखो बहुत ही खूबसूरत मंजर, ये दिलकशिश। यहाँ पर पहले पानी बिजली वगैरह कुछ नहीं थी, हज़रत तब से यहाँ पर है, और इन्होंने बहुत ही खूब तरीके से यहाँ पर खिदमत अंजाम दी है। मौला इसे इनकी जज़ा खैर अता करे। ये देखो बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पर मैं हमेशा जा कर के क़याम करता हूँ, कभी 4 रोज़ कभी 8 रोज़, जब भी दिल चाहता है तो हज़रत के पास जा कर के क़याम करता हूँ। ये बहुत ही दिलकश मंज़र है। सलाम होने के या वली अल्लाह, क्या साहिब मादार आप ईशान में ईशान की ईशान का आप ईशान सरकार करम नवाजी शुक्रगुजारी। अल्लाह
छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गुंबद है और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन झूमर वगैरह लगाया हुआ है। माशाल्लाह मौला नवाजे, बरकतों से नवाजे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब हमारे जफर बाबा के मुरीदेन हैं जो साथ में। लुत्फ अंबिया घर में औलिया बाप फजले बंजदन यारी। दुम दाल मलिक दुम दुम दाल मलिक हाँ तो चलो नाज़रीन ज़ियारत करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह ये देखो ये हमारे अजीज़ हजरत ख्वाजा जफर खां कादरी खुलफाई के खलीफा है, हमारे पीर भाई है। ये पीछे डैम, ये देखो ये सारंगखेड़े का डैम है और ये सब बना हुआ है। और ये इनके खलीफा वकार कादरी, माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत मंजर। ये सारंगखेड़े का डैम ये तापी नदी पर बना हुआ है। ये टेंबा गांव आगे है और ये सरकार दावल मलिक रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक है जो कि छिड़ा हुआ है। माशाल्लाह ये देखो क्या बेहतरीन। माशाल्लाह आज बहुत बड़ी राज की बात पता चली है। क्या शाह साहब यहीं पर बैठकर रोज सवेरे जिक्र करते हैं एकदम पुरकशिश मंजर के साथ में। पीछे पूरा तपती का डैम है और फुल हवा ऑक्सीजन के साथ। और ये मेरी खुश नसीबी है और खुशकिस्मती है क्या जहाँ पर शाह साहब बैठकर जिक्र करते हैं उसी जगह पर मुझे खाकसार को भी बैठकर जिक्र करने का मौका मिला, शर्फ हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से हम लोग हर रोज़ नई मज़ार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।